नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। बहुत दिन के बाद आया हूँ, मगर एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ जिसने अभी हमारे देश नहीं पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें ये था कि आर्टिकल 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता था, उसको रिवोक कर दिया गया है और भारत में अब दो नए केंद्र शासित राज्य और जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर पहला और दूसरा आपका लद्दाख डिवीज़न। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले हिस्ट्री ये थी, कल से पहले तक की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर में तीन डिवीज़न हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को बाइफुर्केट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। लद्दाख हमारे देश का आठवां केंद्र शासित राज्य बन गया है और जम्मू कश्मीर नवां केंद्र शासित राज्य बन गया है। तो आज मैं प्रखर श्रीवास्तव गुरु घंटाल के माध्यम से आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्यों हमारे देश में अभी भी कुछ राजनेता, या कह सकते हैं कि जो कश्मीरी हैं, वो आर्टिकल 370 के रिवोक होने से नाराज हैं। था क्या आर्टिकल 370 में, जिसके तहत कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता था, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था। सो बिना समय व्यर्थ किए जानते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये कश्मीर की वादी का एक खूबसूरत सा नज़ारा है। कश्मीर को विश्व के, आप कह सकते हैं, गिने चुने सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। कश्मीर के राजा हरि सिंह, जो कि डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते थे। यहाँ की आबोहवा, यहाँ की कल्चर, यहाँ की भाषा, ये बहुत खूबसूरत है। मगर आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस ने मिलकर, लोगों की सेल्फ डिज़ायर्स ने मिलकर इस पूरे के पूरे कश्मीर को बारूद की हवाओं से भर दिया। आज कश्मीर पूरे भारत के सबसे अंडर डेवलप राज्यों में से एक माना जाता है, जम्मू कश्मीर। अगर आप कश्मीर रीजन में चले जाएंगे तो आपको जाकर पता चलेगा कि कश्मीर में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर एमिनिटीज़ नहीं हैं जो कि बाकी के राज्यों में अवेलेबल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कश्मीर के लोगों से मिल चुका हूँ और मैं उनसे बातें कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे ये चीज़ पता है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक खूबसूरत वादी, एक खूबसूरत वादी के साथ साथ एक फ्रेश आबोहवा को बारूद के हवाओं में कन्वर्ट करने के पीछे तीन लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहा। पहला, ये सेपरेटिस्ट लीडर, अलगाववादी नेता, ठीक है, कहने को तो ये कहते हैं कि कश्मीर हम भारत से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम कश्मीर को भारत से आज़ाद कराना चाहते हैं। मगर इनको ये कौन समझाए कि भैया जाओ यूएन रिजोल्यूशन नंबर 51 पढ़ो और समझ में आएगा कि जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पाकिस्तान से तुम्हें फंडिंग मिलती है, वो करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं कश्मीर भाइयों को भी इस वीडियो के तहत पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जितने भी अलगाववादी नेता हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना धंधा चलाते हैं कश्मीर में, कश्मीर को सुलगा के। इन नेताओं के बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्व के बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, विश्व की खूबसूरत खूबसूरत वादियों में घूमते हैं, बड़े बड़े कारों में घूमते हैं, और इन लोगों ने अपने बच्चों को ये सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए खुद के देश से गद्दारी करना भी ज़रूरी समझा। और बदले में आप लोगों को क्या दिया, कश्मीरियों को क्या दिया, पत्थर दे दिया, रेट खोल दिया कि सुबह आपका एक घंटे पत्थर मारो तो 500 रुपये मिलेंगे, दो घंटे पत्थर मारो तो आपका 750 रुपये मिलेंगे। और ये मैं जो बातें कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं सबूत के आधार पर कर रहा हूँ। दूसरा, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 ने हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें कश्मीर में डेवलप करने से रोक रखा था, क्योंकि आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35A के तहत कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स मिलते थे। और इसको हटाने के पीछे का यही कारण था क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है
वो ये चाहती है कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक रहे, और जिस तरह बाकी सारे राज्यों के डेवलपमेंट और प्रगति के लिए सरकार ध्यान देती है, ठीक उसी तरह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 ए के तहत सरकार जम्मू कश्मीर को भी डेवलप करे। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो कश्मीर भी आज़ाद हुआ उसके साथ साथ, तो अंग्रेज़ों ने लैप्स ऑफ पैरामाउसी के तहत एक प्रावधान लाया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जितने भी राजे रजवाड़े हैं, जो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इंडिया का हिस्सा बन जाएं, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उस वक्त कश्मीर में, उस वक्त जम्मू कश्मीर में जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम पॉपुलेशंस की थी, लेकिन वहाँ के जो राजा थे, डोगरा डायनेस्टी के राजा हरी सिंह, वो एक हिंदू थे, और कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनमें एक हिंदू विराजमान हुआ करते थे। महाराजा हरी सिंह ने ना इंडिया के साथ जाना ज़रूरी समझा और ना ही पाकिस्तान के साथ जाना ज़रूरी समझा, वो अलग रहना पसंद करते थे। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, महाराजा हरी सिंह हैं डोगरा डायनेस्टी के, और वो कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते थे, मगर ये बात एक इंसान को मंजूर नहीं थी और वो है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के क्रिएटर मोहम्मद अली जिन्ना को किसी भी हालत में कश्मीर चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जितनी भी नदियाँ जाती हैं भारत से होते हुए, वो सारी की सारी कश्मीर से जाती हैं। कश्मीर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, कश्मीर उनका गढ़ है, ठीक है। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है, अगर उसे डेवलप किया जाए तो टूरिज़्म से अच्छे खासे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना को किसी हाल में भी कश्मीर चाहिए था। एंड चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कश्मीर में मेजॉरिटी थी मुस्लिमों की, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को किसी भी हाल में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा चाहिए था। और जब मोहम्मद अली जिन्ना को बातचीत से ये उनके ये जो ख्वाब थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने वो पूरा नहीं हो पाया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर लिया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया। मतलब जब मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगा कि भैया प्यार से बात नहीं बनेगी, तो एक काम उन्होंने किया कि कबीलाई फाइटर, अफ़गानिस्तान से कुछ कबीलाई फाइटर बुलाए जिनको सपोर्ट था पाकिस्तान की आर्मी का, और उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब महाराजा हरी सिंह ये चीज़ जानते थे कि वो पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे, और जब अंत में उन्हें लगा कि अब आपका पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले हो जाएगा, तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला से बातचीत कर भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किया। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को पेपर की कटिंग नज़र आ रही है, 26 ऑफ अक्टूबर 1947 कश्मीर असीड्स टू इंडिया, और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करते हुए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। और इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ तीन विषय, रक्षा मतलब डिफेंस, विदेशी मामले फॉरेन अफेयर्स, और संचार मतलब कम्युनिकेशन को भारत के हवाले कर दिया था। मतलब कि इन तीन सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी लॉ बना सकती है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं, इस राज्य के जो लोग हैं वो अपनी स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे, और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती, तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है। मतलब कि जब तक जम्मू कश्मीर खुद का संविधान न बना ले, तब तक भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर चलेगा। और इस प्रतिबद्धता के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में यह प्रावधान केवल अस्थायी है,
गौर कीजिएगा केवल अस्थायी हैं और इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था जम्मू और कश्मीर में। मतलब आर्टिकल 370 17 नवंबर 1952 में कश्मीर में लागू हुआ था। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से अधिकार और सुविधाएं प्रदान करती है जो कि भारत के अन्य नागरिकों के पास नहीं है, अन्य राज्य के नागरिकों के पास नहीं है। पहला, जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकती है जब जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार इसकी अनुमति दे। पहला। दूसरा, इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है वो पूरे के पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे अप्रूव ना कर दे तब तक वो लॉ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा एज पर आर्टिकल 370 जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तीसरा, इस आर्टिकल के कारण जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है, ना कि भारत के संविधान के अनुसार। जम्मू कश्मीर के पास दो झंडे हैं, एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा है और भारत का तिरंगा झंडा यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है, ये भी अब से ख़त्म। देश के दूसरे राज्यों के नागरिकों के पास इस राज्य में किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने का कोई भी हक नहीं है, अर्थात इस राज्य में संपत्ति का मूलभूत अधिकार भी लागू है। अगर आप देखोगे तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा पहले फंडामेंटल राइट था वो अब हटाकर हमारा लीगल राइट बन गया है। ठीक है, तो भारत के लोग, मतलब कि जम्मू कश्मीर के राज्य को छोड़कर जितने भी अन्य राज्य के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में जाकर आपका प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है वो जम्मू कश्मीर में अभी भी फंडामेंटल राइट था एज पर आर्टिकल 370। कश्मीर के लोगों के पास दो प्रकार की नागरिकता है, एक कश्मीर की और दूसरे भारत की। अगर आप भारत के अन्य राज्य के नागरिकों के बारे में बात करेंगे तो उनके पास सिंगल सिटीजनशिप है कि वो भारत के नागरिक हैं। जैसे कि अमेरिका जैसी कंट्री में रहने वाले लोगों के पास दो तरह की नागरिकता है कि पहला वो अमेरिका के नागरिक हैं, दूसरा वो अमेरिका के जिस राज्य में रहते हैं उनकी नागरिकता भी उन्हें प्राप्त है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह है। यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाती है, लेकिन यदि वह किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता था तो उसको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाती है। ये आर्टिकल 370 की धारा के अंतर्गत जो चीज़ें आती थी मैं वो पढ़ रहा हूँ। और ऐसा होता था कि जब कोई भारतीय नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब कोई जम्मू कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता है और जब कभी जम्मू और कश्मीर वापस आ जाता है तो उसे भारत का दोबारा नागरिक मान लिया जाता है। आप सोच सकते हैं कितना स्पेशल प्रोविज़न इन लोगों को दिया गया था, मगर इन लोगों ने कभी इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाए। भारत संविधान के भाग 4 और भाग 4 ए इस राज्य पर लागू नहीं होते हैं, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इस राज्य में लागू नहीं होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात इस प्रदेश के नागरिकों के लिए महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा और देश के झंडे इत्यादि का सम्मान करना ज़रूरी नहीं है। जम्मू और कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, चाहे वो राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय ध्वज हो इत्यादि का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आर्टिकल 370 के कारण ही केंद्र राज्य पर वित्तीय आपातकाल जैसा कोई भी कानून नहीं लगाया जा सकता, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आप जम्मू कश्मीर में नहीं लगा सकते। और यदि भारत में कोई वित्तीय संकट आता है और भारत सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है
तो इसका जम्मू और कश्मीर के राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए एज पर आर्टिकल 360, तब भी वो इमरजेंसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं मानी जाएगी। भारत संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा लागू करने की अनुमति ना दी जाए। केंद्र जम्मू कश्मीर पर केवल दो दशाओं, युद्ध और बाहरी आक्रमण के मामले में ही राष्ट्रीय आपात का लगा सकती है एज पर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इमरजेंसी। यदि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपात का लगा दिया जाता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, तो इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इसे आप राज्य पर लागू कर सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दो तरीके से लगती है। पहला इंटरनल इमरजेंसी, मतलब कि अगर देश के अंदर कोई आंतरिक गड़बड़ी होती है तो उसके कारण जो इमरजेंसी लगती है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। अगर वो पूरे भारत में लागू हो जाए मगर जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे अप्रूव नहीं करेगी तब तक वो वहाँ पर लागू नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि हमारा किसी देश से वॉर हो जाए, मान लीजिए पाकिस्तान से वॉर हो जाए या चाइना से वॉर हो जाए, और सरकार इमरजेंसी घोषित कर दे, तो वो नेशनल इमरजेंसी कहलाती है एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुई है। और ये जम्मू कश्मीर में आपका लागू किया जा सकता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी किया जा सकता है, इंटरनल इमरजेंसी करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर की गड़बड़ियों के कारण वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता, उसे ऐसा करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये जो अभी तक मैंने आप लोगों को ये 16-17 पॉइंट बताए, ये आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करते थे जम्मू कश्मीर को, जो कि कल ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का एक अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसकी खुद की विधानसभा होगी, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जिस तरह दिल्ली है ठीक उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर के पास भी उतनी ही पावर रहेगी। ये एक बहुत ही सही स्टेप लिया गया है, कह सकते हैं ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं मानता हूँ कि जब परिवर्तन आता है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि परिवर्तन में इंसान को तकलीफ होती है, मगर अंत में उसे सुख ही प्राप्त होता है। और यही चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ भी होगी कि इस आर्टिकल 370 के ख़त्म होने जाने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वहां पर डेवलपमेंट प्लान को प्रोड्यूस करेंगे। अंबानी, टाटा, बिरला, जो लोग जिनकी रीच है, जिनके पास क्षमता है जम्मू कश्मीर को डेवलप करने की अपने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू, वो वहाँ पर जाकर डेवलप करेंगे, नई नई नौकरियाँ निकलेंगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर कर पढ़ना नहीं पड़ेगा, बड़े बड़े कॉलेजेस खुल जाएंगे। सो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस चीज़ का समर्थन करें और वो समझें कि उनका हक क्या है। अब भारत के ऊपर उनका पूरा का पूरा हक है, ठीक है, हम सब एक हैं और जम्मू कश्मीर भारत का सबसे डेवलप राज्य बने, ये मेरी कामना है। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आर्टिकल 370 से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।